फॉर वन लास्ट फाइट। ये आवाज सब जगह तक जाना चाहिए, वन लास्ट फाइट। खड़ा होके बोलो, अभियान सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं? आज पहली बार पूरे 70 साल के बाद महाराष्ट्र से एमपी, दिल्ली का एमपी, आसाम का एमपी, सिटिंग एमपी और हरियाणा का भी एमपी, केंद्र सरकार में मंत्री लोग सब यहाँ में आकर आज हमारा मूवमेंट को उन्होंने सॉलिडारिटी दिया है, हमारा बात रखा है और ये भी बोला है कि टाइम में पार्लियामेंट में ये आवाज उठाया जाएगा। ये दिल्ली अभियान मैंने पार्लियामेंट के टाइम किया क्योंकि मैं चाहता था कि जो तिपरासा का आवाज है, जो तिपरासा का आवाज है इसको दिल्ली तक पहुंचना चाहिए और दिल्ली में जो एमपी बैठा है लोकसभा राज्यसभा में उनको भी समझना चाहिए कि जो तिपरासा डिमांड कर रहा है ग्रेटर तिपरालैंड, तिपरालैंड का ये एक जेन्यून डिमांड है। ये कोई डिमांड किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये अपने दोहा के लिए है, अपने हाथ के लिए है, अपने देश के लिए है। इसके लिए आज जो मैसेज गया है दिल्ली अभियान के बाद, दो मैसेज गया है कि आज तिपरासा अकेला नहीं है, शिवसेना ने सपोर्ट किया है, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है, कांग्रेस का एमपी ने सपोर्ट किया है और मैं जानता हूं कि जो इंडिपेंडेंट एमपी था उसने भी सपोर्ट किया और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा एक तिपरासा का एमपी भी है, हमारा एक तिपरासा का एमपी है और दिल में मैं जानता हूं कि रेवती त्रिपुरा भी दिल से कहीं ना कहीं बुबाकरा का बात को मानता है और रेवती भी कहीं ना कहीं दिल का अंदर से तिपरा लैंड का डिमांड वो भी करना चाहता है। इसके लिए मैं जानता हूं कि जितेंद्र चौधरी भी चाहता है दिल के अंदर सबको तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, पार्टी से डरता है, दिल से सबको तिपरा लैंड चाहिए लेकिन जो पार्टी है उससे डरता है। इसके लिए मैं सबको बोलना चाहता हूं, आप अपना कामी में जाओ दिल्ली अभियान के बाद। अगर मैं पार्टी के बारे सोचता तो यहां मैं आईपीएफ की नहीं होता, अगर मैं पार्टी के बारे सोचता तो यहां मैं विजय रामकौल आईएनपीटी का जो प्रेसिडेंट था, तिपरा मोथा का प्रेसिडेंट नहीं होता, अगर मैं पार्टी के बारे सोचता तो यहाँ में मेवार जो है वो यहाँ में आया है, ऑनरेबल गेस्ट बन के आंदोलन को लीड किया है, मैं उनको यहाँ में निमंत्रण नहीं करता। मैं पार्टी के बारे नहीं सोचता हूँ, मैं तिपरासा और जाति के बारे सोचता हूँ। बहुत लोग अलग अलग बात करेंगे हमारा थानसा को तोड़ने के लिए, हमारा थानसा को तोड़ने के लिए बहुत लोग ट्राई करेंगे। यहां में ईएम्स हैं, एमएलएस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं और गीता आपका तरफ पॉइंट करके बोल रहा हूं, अगर यहां में मैंने देखा कि नेता लोग दोफा के लिए नहीं बात कर रहा है, थानसा के लिए बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना लिए बात नहीं कर रहा है, मैं फिर से जो मैंने कल बोला मैं आज फिर से बोलूंगा, जो भी बुबाग्रा के संग गद्दारी करेगा या ग्रेटर तिपरालैंड, तिपरालैंड के संग गद्दारी करेगा, हमको वैसा नेता नहीं चाहिए। हम लोग बुरुई से लीडर लोग को निकालेगा, सेकला से निकालेगा, चला से निकालेगा। लीडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू आइडियोलॉजी कमिटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। नेता से देश नहीं चलेगा, देश हाथ से चलता है, देश सिद्धांत से चलता है और इसके लिए ये लोग जो हम लोग का थानसा तोड़ने का कोशिश करेगा, रंग से करेगा, पद से करेगा, धमकी देगा, मैं आपको बोल रहा हूं डरो मत, मत डरो। 70 साल से अत्याचार हुआ है, 70 years we have suffered, for 70 years
वी हैव बीन टोल्ड दैट यू आर नॉट गुड इनफ बट नाउ आई से इनफ इज इनफ वी विल गेट आवर ग्रेटर तिप्रा लैंड अगर हमने एक साल तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एक साल तक सच बोला एक साल तक दोफा का संग रहा एक साल तक हमने थरचा रखा तो हम आपको बोल रहे हैं त्रिपुरा में सिर्फ एक ही रीजनल पार्टी रहेगा और वही रीजनल पार्टी त्रिपुरा लैंड को शासन करेगा। आप लोग अगरतला से खुमुलुंग से कंचनपुर से ओमपी से साबरुम से छमनु से ढलाई से कोरबुक से तेलियामुरा से पूरा त्रिपुरा से आप लोग आया है दिल्ली आया है और आज पहला बार आप सबको बुबाग्रा सलूट करता है। मैं क्यों सलूट करता हूं जानता हूं आज ये जो मूवमेंट है ना ये बुबाग्रा के लिए स्ट्रांग नहीं हुआ है क्योंकि आप लोग दिल्ली आया ट्रेन से आया कष्ट होके आया कहीं में खाना कमी था कहीं में सो नहीं सका किसी को बीमार था कष्ट करके आया लेकिन जो सैक्रिफाइस जो बलिदान आपने दिया है ये आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है भविष्य में सब लोग याद करेगा कि यहाँ में हम लोग मोथा और आईपीएफटी बन के नहीं आया हम लोग यहाँ में तिप्रासा थानसा बन के आया और इस मंच से मैं वैसा नेता को भी वार्निंग देना चाहता हूँ जो आज भी तिप्रासा और आईपीएफटी मोथा या टीपीएफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा नहीं इस हमारा दल अच्छा उसका दल खराब इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम लोग एक रहा तो त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा अगर स्वार्थ होके झंडा के लिए आंदोलन के लिए भाषण के लिए वो मंच में कुर्सी के लिए अगर हमने खानसा को तोड़ा तो नुकसान दफा का होगा। बुबाग्रा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है बुबाग्रा त्रिपुरा से 5000 साल से त्रिपुरा में बुबाग्रा था और बुबाग्रा आज भी है आपके दिल के अंदर सिंहासन नहीं है मेरे पास तलवार नहीं है सैंग मेरे पास नहीं है सैंग किसी और के पास है लेकिन बुबाग्रा के पास जो थुई है वो तिप्रासा का थुई है। नेशनल मीडिया आपने कवर किया है मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं यही प्रद्योत माणिक्य कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सीए के टाइम मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मैंने जाति के बारे सोचा इसके लिए मैंने रिजाइन किया। यही प्रद्योत माणिक्य को रूलिंग सत्ता पार्टी ने बहुत ऑफर किया था राज्यसभा से मंत्री तक हमको ऑफर किया गया मैंने आज तक बीजेपी का एक लॉलीपॉप भी नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मैंने वो लॉलीपॉप लिया मेरा तिप्रासा खत्म हो जाएगा मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही प्रद्योत माणिक्य आज आपको बोल रहा है 2023 में मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं 2023 में हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। ये लोग आएंगे बोलेंगे अरे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं मानो आप थोड़ा सा रुपया ले लो अच्छा कैबिनेट में और चार मंत्री बना देते अरे एडीसी में 100 करोड़ 500 करोड़ उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अनिमेश ने बोला कि कमांडर जीप में थोड़ा पेट्रोल ज्यादा डालने से वो ट्रक टैंक नहीं बनता है बोला कि नहीं ये सब हम लोग को
ये सब हम लोग को खानसा को तोड़ने के लिए हम लोग को लालच दिखाता है। लेकिन बुबाग्रा आपको एक बात बोल रहा है, एक साल बाकी है, सिर्फ एक साल। अगर पांच साल होता तो हम समझते, दस साल होता तो मैं समझता, सिर्फ एक साल बाकी। और ये जो आने वाला एडीसी काउंसिल इलेक्शन है, मैंने आज भी मेवार को अनुरोध किया कि आईपीएफ की टिपरा मोथा नाम में क्या लिखा है कुछ मतलब नहीं होता, एक हो जाओ, एक पार्टी हो जाओ। और जब तक ये नेशनल पार्टी हम लोग को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड राइटिंग में नहीं देता है ना, हम लोग कोएलिशन और अलायंस में नहीं करेगा जब तक राइटिंग में नहीं देता है। क्योंकि इलेक्शन का पहले बहुत प्रॉमिस होता है, इलेक्शन खत्म तो त्रिपुरा सा को भी भूल जाता है। इसके लिए आप लोग रेडी हो जाओ, 10 सीट पे फाइटिंग के लिए नहीं, 12 में नहीं, 20 में भी नहीं, 35 सीट्स में हम लोग को एक पार्टी एक सिंबल होके फाइट करना है। उसके बाद आप देखना, विश्वास करना। बुबाग्रा को पर विश्वास है ना? आज जो एमपी लोग आया, पहले तो नहीं आया, आज बुबाग्रा ने बुलाया, आया ना, विश्वास है ना? आप विश्वास करो, अगर हमने विदाउट कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन लड़ा तो विलेज काउंसिल इलेक्शन में तो कॉन्टेस्ट ही नहीं होगा, अनकॉन्टेस्टेड जीत जाएगा हम लोग। और 2023 का असेंबली में अगर हम लोग ने अकेला लड़ा, अगर हम लोग को राइटिंग में नहीं दिया, अगर हमने अकेला लड़ा, तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगा वो आंचलिक पार्टी का हाथ में कमान होगा। तब आप देखिए कि ये लोग बोलता है ना, क्या बोलता है लोग, खेला होबे, हाँ खेला होबे ना, त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होबे, वो खेला होबे वेला होबे वहां नहीं चलता है। ये रिमोट कंट्रोल का पॉलिटिक्स को बंद करो, कांग्रेस चलाता है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से, दूसरा पार्टी चलाता है रिमोट कंट्रोल पश्चिम बंगाल से, कोई नागपुर से रिमोट कंट्रोल से चलाता है। हम लोग को 100% त्रिपुरा सा आंचलिक पार्टी चाहिए, 100% त्रिपुरा सा पार्टी। ये आंदोलन खत्म होगा, आप लोग वापस त्रिपुरा जाओगे, आराम से आपको नहीं बैठना है। पहला बात, अगर आपके कामी में कोई भी नेता है, त्रिपुरा मोथा का हो या आईपीएफ की का हो, लीडर को बोलो एक हो जाओ, ये अब नहीं चलेगा, एक हो जाओ। गांव गांव में जाकर आप लोग बोलो, मैं जानता नहीं हूं यहां में आईपीएफ की कौन है, त्रिपुरा मोथा कौन है, एक हो जाओ। अलायंस नहीं, वन सिंगल पार्टी हो जाओ। यहां में विजय रामखोल है, यहां में अनिमेश है, उनका भी पार्टी था, 15 साल तक अनिमेश ने अपना पार्टी रखा, बाद में हम लोग एक हो गए। विजय रामखोल एक लेजेंड है, इज अ लेजेंड, पूरा इंडिया जानता है विजय रामखोल को। उन्होंने अहंकार के बारे नहीं सोचा, जब वो आया मेरे पार्टी में, प्रेसिडेंट मैंने बनाया, सम्मान। यहाँ में जगदीश देव वर्मा है, यहाँ में चित्तू बाबू है, वेयर मिस्टर त्रिपुरा लैंड, इनको मैं सरदार पटेल बुलाता हूँ। उनका पार्टी के सिंबल में त्रिपुरा मोथा लड़ा, मैंने कभी भी चित्तो बाबू को नहीं सोचा कि ये हमसे दूर है। चित्तो बाबू के लिए आज मैंने त्रिपुरा लैंड का डिमांड उठाया था, तो चित्तो बाबू को भी थोड़ा सा याद कीजिए। लास्ट में मेरा सबसे पुराना, जिसको मैं जानता हूँ बचपन से, इतना कहा था मैं, ये अपना मंत्री, सिर्फ एक साल
हम लोग का संग रहो। मैं आपको बोलता हूँ 2028 तक मंत्री क्या आप तो एमपी भी बन जाएगा। मैं आपको बोलूँ दिल बड़ा होना चाहिए, जो अपना दोफा को प्यार करता है दिल बड़ा होना चाहिए। सब लोग बोलता है 56 इंच का सीना, नहीं नहीं नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। सब लोग बोलता है हाइट छोटा, हाइट लंबा होने से कुछ नहीं होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। बुकुंग बड़ा होने से क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। यहां में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आया है, वो हमारा पताल कन्या का पार्टी है, टीपीएफ। मैं पताल कन्या को भी अनुरोध करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, करिए, अच्छा बात है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं देता है तब तक हम लोग घर में बैठकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस है आप कंटिन्यू कीजिए, आप भी यहाँ आइए, हमारे संग थानसा में आइए। बुबागरा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अगर आपको बनना है आप बन जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग को पिपरालैंड या ग्रेटर पिपरालैंड चाहिए। अगर राइटिंग में हमको कोई दे दे कि त्रिपुरा में सुप्रीम कोर्ट हम लोग को बांग्लादेशी को वापस बाहर फेंक देगा 2023 के पहले या 2026 के पहले, तो हम भी त्रिपुरा डिमांड नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राइटिंग में देगा तब भी नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम हमारे खिलाफ है और सिस्टम को अगर बदलना है तो हम लोग को भी सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान का कानून को वापस नहीं किया, ये किसान का आंदोलन था कि किसान ने आंदोलन किया, इसके लिए ये कानून भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस लिया। हम लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली गणतंत्रता में रह के ये आंदोलन को चालू रखना है। आप लोग ने बहुत कष्ट किया है, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। मेरा बुरोई बदल, बुमा बदल, माँ क्या क्या करता है बताइए, वो दिल्ली का मीडिया को भी देखना चाहिए क्या करता हम लोग, माँ हमको सुनाई नहीं दे रहा है। 1 2 3 माँ वहां में एक सेकला भी हमको कर रहा है, ऐसा नहीं, बुरी से कर बुरी। आई लव ऑल ऑफ यू। मैं आपको, मैं जानता नहीं हूं कि 2023 के बाद क्या रहेगा, मेरा हेल्थ रहेगा या ना रहेगा, लेकिन मैं रहूं या ना रहूं टीपरा लैंड को रहना होगा। भविष्य में कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है ये मैं बोल नहीं सकता, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन अगर आज के बाद ये जो जेनरेशन है, ये आपका जो ग्रुप है, ये जो दल है, ये आपका जो टीपरा सा लोग जो यहां में है, जिस दिन टीपरा लैंड हम लोग को मिलेगा, ग्रेटर टीपरा लैंड मिलेगा, किताब लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि ये एक ग्रुप था जो दिल्ली आया, कष्ट करके दिल्ली आया, आंदोलन किया और इस आंदोलन के बाद ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मोमेंटम आगे बढ़ा और इसके बाद हमको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिला। लास्ट ऑल माय लीडर्स, माय सीएम विजय बाबू मेवार, रुनेल, अनिमेश, चित्त बाबू, राजेश, किसान, अपना ऋषिकेतु, हॉलीवुड, बहुत लोग हैं, नाम भी मैं जो अगरतला में है, रविंद्र देव वर्मा, राजेश्वर, सब लोग, अपना सपना है, मणिहार है, आती है, सिंधु कन्या है, हम लोग का पवित्र भक्ति है यहाँ में, बहुत लोग हैं, बीचिंग है, मिंटू है, सुहेल है। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, आपने मुझे लीडर माना है, माना है कि नहीं, तो आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूं सबके सामने,
प्रद्योत विक्रम माणिक्य इज नॉट फॉर सेल, मैं मेरा आई एम नॉट फॉर सेल, मैं मुझे कोई खरीद नहीं सकता। और अगर अगर आप लोग ने हमको ये बैकिंग दिया, मैं सिर्फ आप 70 साल 80 साल 100 साल जिए, मैं आपके जिंदगी से सिर्फ एक साल चाहता हूँ, 1 ईयर, 1 साल मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको ऐसा राज्य दूंगा जिसमें हाँ भी आपका होगा, आसमान भी आपका होगा, भविष्य भी आपका होगा। लेकिन मुझे खून नहीं चाहिए, रक्त दीवो बोलते रहते, रक्त दीवो नहीं चाहिए, सिर्फ एक साल चाहिए, कमिटमेंट एंड थानसा। और जो भी थानसा के अगेंस्ट है, मुझे आपका दरकार नहीं है, आप जाके अपना राजनीति करो, जाके दूसरा पार्टी में बैठो। लेकिन अगर आपको थानसा चाहिए, अगर आपके अंदर कमिटमेंट है फॉर वन लास्ट फाइट, ये आवाज सब जगह तक जाना चाहिए, वन लास्ट फाइट, खड़ा होके बोलो।